वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सब्लिमेशन प्रिंटेबल कुशंस। इसमें बहुत ही बड़ी रेंज मेरे पास में है, तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कुशंस मेरे पास में किस किस तरह का कुशंस है, क्या कहाँ कहाँ आप उसे गिफ्ट कर सकते हो, और एक अलग ही रेंज मेरे पास में कुशंस की है। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको कुशंस के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपना सबसे छोटी रेंज से, जो मेरे पास में 12x12 इंचेस का जो कस्टमाइज सेक्शन है, कस्टमाइज कुशंस जो है, थोड़ा सा मैं पास में जाकर के आपको दिखाऊंगा। तो देखो, जैसे टॉम एंड जेरी का है, ये बार्बी का है, ये मिक्स कार्टून इसके अंदर है। तो दोस्तों, ये किड्स को हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, या इवन गाड़ी के अंदर अगर हमें कुशंस रखने हैं, कार कुशंस भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं कार कुशंस के अंदर। इसके अलावा एक ये कुशन मेरे पास में है 12x12 इंचेस के अंदर, ये पूरा फुल प्रिंटेबल है। इसके अंदर दो कलर मेरे पास में इसके अंदर आते हैं, एक व्हाइट और एक पिंक कलर। तो दोनों ही काफी अच्छे कलर्स हैं, आप व्हाइट के ऊपर फोटो प्रिंट करो, पिंक के ऊपर फोटो प्रिंट करो, इवन कार कुशंस आप इन्हें रख सकते हो, सोफा कुशंस भी आप ऐसा इन्हें रख सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद में चलूंगा अपना जो कस्टमाइज सेक्शन है 16x16 इंचेस का। ये आप देखिए, थीम कुशंस मैं ले कहूंगा, ये रिलेटेड टू हैप्पी बर्थडे है। इसके अंदर एनिवर्सरी रिलेटेड भी आता है, लव बर्ड्स रिलेटेड भी आता है, कपल कुशंस भी अब हम लोगों के पास में है। तो इसी तरह की काफी बड़ी रेंज इसके अंदर है। आप देखेंगे, जैसे मैं इसी कुशन को दोबारा उठाता हूँ, ये हैप्पी बर्थडे इसके नीचे लिखा हुआ है, इधर तीन फोटो इसके अंदर आ जाएगा, पीछे वेलवेट का पूरा ये कपड़ा इसके अंदर लगा हुआ है। तो काफी प्रीमियम क्लास का कुशन ये लगेगा आफ्टर फोटो प्रिंटिंग, फोटो प्रिंट करने के बाद में। तो मेरे पास में दो तीन थीम से रिलेटेड है, बर्थडे हो गया, या ये एक एक क्वेश्चन है लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल अराइड, ये दो फोटो इधर लग जाएगा, पीछे इसमें वेलवेट का कपड़ा लगाया हुआ है, तो काफी प्रीमियम लुक ये देता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पैकिंग भी किस तरह का इसका आएगा क्वेश्चन का, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए लव यू लिखा हुआ है, ये टू हार्ट्स इसके अंदर बने हुए हैं, पीछे भी प्रिंटेड एक कपड़ा इसके अंदर हमने लगा रखा है। तो काफी रेंज इसके अंदर मेरे पास में है। इवन आपको अगर अपने कुछ डिमांड है, आपको कुछ और इसके ऊपर प्रिंट कराना है, कुछ एक आपको कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है, आपको कुछ थीम कुशन प्रिंट कराने, तो वो भी इसके अंदर हो जाएगा। अभी एक ये कुशन देखो, जैसे एक ये कुशन है, अभी वैलेंटाइन आ रहा है, वैलेंटाइन के हिसाब से परफेक्ट कुशन है ये, आई लव यू नीचे लिखा हुआ है, सेंटर में आपका फोटो आ जाएगा। ये कुशन देखिए, तो गाइस ये 16x16 में मेरे पास में है, जो ऊपर वो रखे हुए हैं उधर, वो 12x12 इंचेस में मेरे पास में। इसके अलावा आप कोई अपना साइज देते हो, आपको 12x18 इंच के अंदर रखना है, या फिर कोई अदर साइज आप बोलते हो, तो किसी भी साइज के अंदर हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप 5 फोटोज प्रिंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पीछे वेलवेट का कपड़ा इसके अंदर लगा हुआ, तो काफी प्रीमियम टच दे रहा है क्वेश्चन को। गाइज, इसके बाद में चलूंगा अपना फर कुशन, जो सबसे ज्यादा रनिंग है, और कभी जब कभी कुशन के अंदर मैं कहूंगा लाइन कभी शुरू हुई थी, तब सबसे पहले ये फर कुशन हम लोगों का सबसे चलता था, मोस्ट रनिंग आइटम ये है, बोथ साइड फर इसके अंदर लगा हुआ है। मैं अभी आपको कुशन अंदर तक ओपन करके दिखाऊंगा क्या क्वालिटी लेवल का हम लोगों ने इसके अंदर क्या काम किया हुआ है। अब देखो, जैसे ये कुशन है, सॉरी, देखिए कुशन को अगर मैं एक बार अंदर तक ओपन करूं, देखिए ये पिंक कलर में बोथ साइड फर कुशन है। सबसे पहले देखो, आप इसे फोटो प्रिंट करो, ये ऑलवेज हैंगिंग ऑप्शन इसके अंदर है, आप इसे कहीं रख भी सकते हो, टांग भी सकते हो, इसे हैंग कर सकते हो। दूसरा, सोफा के ऊपर आप इसे रख सकते हो, इवन कार के अंदर आप इसे रख सकते हो। एक ये अच्छा क्वालिटी का चैन इसके अंदर लगाया हुआ है। जनरली क्लाइंट्स की, कस्टमर लोगों की शिकायत आती है कि आप कुशन को प्रिंट करते टाइम क्या होता है, ये चैन जो है फ्री हो जाती है, तो वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कुशन बनाया है। आप चैन देखिए, अच्छा क्वालिटी का चैन इसका हमने लगाया हुआ है। उसके बाद में बात करें हम फिलर की, इसके अंदर जो हमने फिलर लगाया हुआ है दोस्तों, इसकी फिलर मैं आपको इसकी निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये फिलर है, ये मैं आपको बताऊंगा पैकिंग किस तरीके से आएगा। अभी आपका मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर आप मैं तो खैर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ हूँ, अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, आउट ऑफ दिल्ली हैं, इवन श्रीनगर से हैं, या फिर देहरादून से हैं, या फिर गुजरात से हैं, आप बोलेंगे भाई अगर हमें 100 पीस इसका हार्ड फर कुशन का चाहिए, साथ में फिलर भी आएगा, ये इतना जो फूला हुआ है अगर इस तरीके से भेजेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक आइटम बन जाएगा। तो दोस्तों, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग जो गद्दी को देते हैं, जो फिलर है इसका, इस तरीके से वैक्यूम करके देते हैं इसे,
बिल्कुल इसका बिल्कुल हवा निकाल करके डबल पॉली के अंदर पैक इसे किया हुआ है, तो जैसे ही आप इसे पन्नी को खोलोगे वैसे ही कुशन फूल करके आपका जो अंदर का फिलर है वो कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये दोस्तों स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखते हुए ये लेवल का पैकिंग हम लोगों ने कराया हुआ है, ताकि आपका जो अगर आपको 100 पीसेस भी अगर कुशन का मंगाना है तो इजीली बोरे के अंदर पैक होकर के चला जाएगा, ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक नहीं बनेगा। वापस देखो कुशन की तरफ आते हैं, ये आप पैच इसके अंदर जो हमने लगाया बिल्कुल प्रेस्ड करके पैच इसके अंदर फिक्स किया हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर नहीं स्टिच किया हुआ है हमने। आप अंदर देखिए, अंदर एक एक्स्ट्रा साटन का कपड़ा हम लोगों ने इसके अंदर लगाया हुआ है, और दूसरा इसके नीचे हमने पैच के नीचे फोम लगाया हुआ है। उस फोम का बेसिकली यूज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जब भी कभी भी आप इसके ऊपर कुशन के ऊपर प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट करने के बाद में फोम हल्का सा सिकुड़ेगा, उसके सिकुड़ने से क्या होगा, जैसे आपका फोटो प्रिंट होगा ना उसके बाद में इसके अंदर जो एक कड़कपन सा रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज बना रहेगा, आपका जो कपड़ा होगा मतलब मुरझाएगा नहीं, रिंकल्स उसके ऊपर नहीं आएगा। ये इसका खासियत होता है कि अगर इसके अंदर हम लोगों ने फोम लगा दिया है तो जब कभी भी आप प्रिंटिंग करोगे, प्रिंटिंग करने के बाद तक जैसा इसका अभी क्वालिटी है ना बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने ख्याल रखते हुए कुशन को बनाया हुआ। दूसरा आप एक ये देखेंगे हमने स्टिचिंग करा रखा है कॉर्नर्स पे, ये काफी अच्छी क्वालिटी का हम लोगों ने स्टिचिंग ये कराया हुआ, एम्ब्रॉयडरी जो पैच को सिलने के लिए हमने जो कराया काम ये। और दोस्तों दूसरा इसके अंदर मेरे पास में हार्ट फॉर कुशन के अंदर या इसमें दो शेप्स मेरे पास में इसके अंदर होती है, एक स्क्वायर शेप और एक हार्ट शेप। तो दोस्तों दोनों ही में ही मेरे पास में करीबन 5 से 6 कलर मेरे पास में इसके अंदर होते हैं कुशन्स के अंदर, जिसके अंदर आपका रेड, ब्लू, पिंक, व्हाइट, पर्पल, ये सभी कलर्स इसके अंदर अवेलेबल। तो एक मोटा मोटी अगर मैं रेंज आपको दिखाऊंगा तो ये रेंज रखी हुई है, ये पर्पल रखा हुआ है, फिर पिंक है, फिर ब्लू है, फिर एक येलो है, और उसके बाद में फिर आपका ये रेड आ गया। तो ये सारे कलर्स अपन लोगों के पास में इसके अंदर होते हैं। दोस्तों बात करते हैं, हमने फर कुशन का तो कंप्लीट कर दिया है, अब उसके बाद में मैं आपको आपके तरफ आऊंगा मैजिक कुशन को लेकर के। अभी रिसेंटली मैंने प्रिंटिंग का तो देखो वीडियो आपको डाल दिया था किस तरीके से आपको प्रिंटिंग करना है, दूसरा मैं दोबारा से इंट्रो कराऊंगा अपने मैजिक कुशन का भी। आप इसके अंदर देखो ये हम लोगों ने प्रिंट किया हुआ, मैं इसे ओपन कर देता हूं आपके लिए। ये देखो हम लोगों ने प्रिंट किया था, ये इधर तो हमने लिखा हुआ है आई लव यू। दूसरा मैं अगर पेटल्स को स्लाइड करूंगा आप इधर देखेंगे, इधर कपल का फोटो प्रिंट हो रखा है, ये देखिए। और सेम यही डिजाइन फिर हम लोगों ने क्या करा, बैक साइड में इसके प्रिंट कर दिया, ये इस तरीके से देखो। तो गाइज मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था बेसिकली मैजिक कुशन के अंदर क्वालिटी को लेकर के, इसके अंदर आपको शिकायत आता होगा कि भी पेटल्स का प्रिंटिंग के बाद में पोजीशन चेंज हो जाता है या साइज एग्जैक्टली फिट नहीं बैठता है। तो दोस्तों अगर आप कंसेप्ट सब्लिमेशन से आप परचेज कर रहे हो मैजिक कुशन को तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के खरीदो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कुशन के अंदर। क्योंकि जनरली मेरे पास में कुछ लोगों का शिकायत आया लेकर कि हमने मैजिक कुशन यूज कर रहे हैं लेकिन उसका पोजीशन जो है प्रिंटिंग करने के बाद पेटल्स का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन इसमें वैसा दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मेरे पास में दो शेप्स के अंदर है, एक स्क्वायर शेप मैंने आपको दिखा दिया और सेकंड मेरे पास में ये हार्ट शेप में अवेलेबल है, ये हार्ट शेप में हम लोगों के पास में। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि पीछे अभी क्या क्या हुआ है, हम लोगों ने कुछ कुशन के अंदर अभी जैसे फ्रंट की तरफ रेड कलर का कुशन ये है मैजिक कुशन, तो पीछे भी रेड कलर का बढ़िया कपड़ा स्टिच करा हुआ है, तो उससे क्या बनता है कंट्रास्ट एक बन जाता है, आगे भी सेम है और पीछे भी सेम कपड़ा लगा हुआ है। लेकिन कुछ कमेंट्स हम लोगों के पास में इस तरीके से आए कि सर हम लोगों को फ्रंट में तो फोटो प्रिंट करना ही करना है, बैक में भी कोई ऑप्शन दो फोटो प्रिंटिंग के लिए। दोस्तों हमने क्या करा, पीछे की तरफ व्हाइट कलर का कपड़ा लगा दिया, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिखाया इस तरीके से, तो इसे पीछे भी एक ऑप्शन आपका निकल करके आता है कि आप इसके अंदर पीछे की तरफ फोटो प्रिंट कर पाओगे। और गाइज मेरे पास में इसके अंदर करीबन 16 से 17 कलर्स अवेलेबल है मैजिक कुशन के अंदर, तो आप देख सकते हैं। आप देखिए कि काफी रनिंग कुशन है हम लोगों का, ये देखिए मल्टी कलर में है, मैजिक है। इधर व्हाइट की तरफ आप फोटो प्रिंट कर लो, पीछे आप फोटो प्रिंट कर सकते हो, आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो इसकी तरफ आप लिख सकते हो। तो गाइज अब मैजिक क्वेश्चंस का हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया है, अब उसके बाद में आता है ये फर टेडी पिलो, देखिए क्या मतलब बढ़िया एकदम क्या बढ़िया क्वेश्चन एकदम ये लग रहा है टेडी पिलो, ये आप किसी बेबी को इसे गिफ्ट कर सकते हो। ये मेरे पास में करीबन 4 से 5 कलर के अंदर अवेलेबल है, एक अपना पिंक हो गया, एक अपना ये पर्पल कलर हो गया, एक ये रेड कलर हो गया, इसके अलावा मेरे पास में ऑरेंज कलर में भी अवेलेबल है इसके अंदर।
तो और भी इसके अंदर दो तीन कलर मेरे पास में। तो देखिए आप इस साइड फोटो प्रिंट करेंगे अपना, जो भी आपको फोटो प्रिंट करा किसी भी बेबी को आप इसे गिफ्ट करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये लग रहा है, इधर की टेडी का फेस लगा हुआ है, सेम एज इट इज इसके अंदर है। कोई गर्ल है तो आप उसे ये भी आप गिफ्ट कर सकते हो। और ये है आप इधर फोटो प्रिंट करके इधर, मतलब बढ़िया क्या शानदार क्वेश्चन ये लग रहा है। इसके अंदर इस तरीके से आप फिलर भर के, जैसे ये हम लोगों ने भरा हुआ है, ये पीछे इसके अंदर चेन लगा हुआ है, तो ओपन करेंगे ऐसे इधर, ये पूरा गद्दी इसके अंदर फिक्स किया हुआ है हम लोगों ने। तो आपको जो पैकिंग मिलेगा, मैं पैकिंग का भी अभी आपको एक बार बताऊंगा कि आपको कुशन का हमेशा कंसेप्ट सब्लिमेशन से अगर आप कुशन को बाय कर रहे हो आपको किस तरीके से उसके अंदर आपको पैकिंग मिलेगा। तो गाइज अभी मैंने आपको बता दिया उसका टेडी पिलो का। उसके बाद में है ये हमारा अपना चेक कुशन, इसमें सेंटर में 8x8 इंच का साइज का स्क्वायर शेप बना हुआ है जिसके अंदर आप फोटो प्रिंट करोगे। साइड में एक कलरफुल चेक एक इसके अंदर बना हुआ है, व्हाइट और पर्पल कलर का टेक्सचर इसके अंदर है, बहुत ही प्यारा कुशन ये लग रहा है। उसी तरीके से हम लोगों ने ये रेड और व्हाइट के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर है, पीछे वेलवेट का कपड़ा लगा रखा, बहुत ही क्लासी लुक ये दे रहा है। बीच में आप फोटो प्रिंट कर सकते हो। और गाइस दूसरा, अभी जितने भी कुशन्स हम लोगों के पास में हैं, आप हर एक कुशन्स के अंदर A4 साइज के अंदर ही आप प्रिंटिंग कर सकते हो। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि भाई ये कुशन बड़ा है तो अपनी मशीन के अंदर ही अपने प्रिंटर से प्रिंट कैसे निकालूंगा, प्रिंट कैसे करूंगा। क्योंकि मैं बात देखो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास में काफी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो A4 प्रिंटर के साथ में काम कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे होंगे भाई ये पैच ऐसा तो नहीं है, A4 साइज के अंदर फिक्स होगा नहीं होगा। तो गाइस बिल्कुल परेशान होने का जरूरत नहीं है, ये जो आपका पैच फिक्स होगा पूरा A4 साइज के अंदर आएगा, 8x8 इंच का है, आपका A4 प्रिंटर के अंदर काम हो जाएगा। जिसके पास में A3 साइज का प्रिंटर बहुत ही अच्छी बात है, वो और भी अच्छा कर सकता है, लेकिन जिनके पास में A4 साइज का प्रिंटर है वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि उनके मशीन के अंदर है उनके प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये दो कलर ही है, तीसरा कलर ये इसके अंदर मेरे पास में, और भी एक दो कलर है मेरे पास में इसके अंदर। देखो दोस्तों मैं इतना यहां पर वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं, आपको इतनी सारी चीजें एक साथ में नहीं दिखा पा रहा हूं। आप कैटलॉग ले लीजिएगा, उसके अंदर पूरी रेंज हम लोगों ने डाला हुआ है, उसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल प्राइस वाइज आपको मिल जाएगा। मोटा मोटी अगर देखो क्वेश्चंस की मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग 140 रुपीज से लेकर के या 130 रुपए से लेकर के मेरे पास में क्वेश्चन करीबन 400-450 तक की रेंज है। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, अभी चेक क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है, अभी बात करूंगा बिग हार्ट फॉर क्वेश्चन की। ये देखिए ये क्वेश्चन है करीबन, ये जो इसका साइज है 22x22 इंच के आसपास है। अभी इसके अंदर आप एक A4 साइज का फोटो, आप मतलब 8x8 इंच के अंदर ये हार्ट बना हुआ है, इसके अंदर फोटो आप प्रिंट करो, आप किसी फ्रेंड को आप इसे गिफ्ट कर सकते हो। इवन या कोई कपल है, कोई एनिवर्सरी है किसी की, अभी देखो जैसे क्वेश्चन मेरे पास प्रिंट हो रखा है, दो फोटो लगा दो नीचे लव लिखा हुआ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा भी इसके अंदर एक ये भी ऑप्शन है कि इसमें 3 हार्ट्स बने हुए, आप इसके अंदर किसी भी लविंग कपल्स की या उनके बेबी के साथ में आप उनकी फोटो इसके अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेस का क्राइसिस है तो मैंने इसके अंदर फिलर नहीं डाला है। तो ये क्वेश्चन जिसकी मैं आपको बात करता था, एक ये क्वेश्चन है, आप देखो सिंगल आपको किसी इंडिविजुअल पर्सन को आपको गिफ्ट करना है, इधर हार्ट शेप बना हुआ है, इधर आप फोटो प्रिंट करो अपने किसी भी लविंग बंदे की और इधर ये लिखा हुआ आई लव यू, इसके अंदर आप आराम से गद्दी प्रेस कीजिए, गद्दी फिल कीजिए और किसी भी लविंग बंदे को आप गिफ्ट कर सकते हैं। सेम देखो मैं इसी के अंदर हम लोगों ने, मैं आपको जो बता रहा था, हर एक क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम काम किया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन की कटिंग नहीं करी गई है। जो A1 क्वालिटी हम लोग काम कर सकते थे अपनी तरफ से वो बिल्कुल करा हुआ है, भले वो चैन की क्वालिटी को लेकर के हो या फिर अंदर की तरफ हमें वो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना हो या पैच के अंदर हमें एक्स्ट्रा फोम उसके अंदर लगाना हो। क्योंकि देखो सारी आप ही लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं और आप ही लोगों को क्वालिटी ना दे तो मतलब हम लोगों को खुद से अच्छा लगता है, आपसे पैसे भी हम लोग लेते हैं और आपको आइटम अच्छा ना दे तो हम लोगों को खुद से अंदर से लगता है कि यार हम लोग काम गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल A1 क्वालिटी का सामान यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बेगार्ड फॉर क्वेश्चन का अपना रेंज दिखा दिया है। इसके अंदर आपको अगर आपको लगता है आपको कुछ और कस्टमाइज इसके अंदर कराना है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट सब्लिमेशन को बोलो वो आपको करके देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसके अंदर मेरे पास नेक्स्ट आइटम है मेरा स्माइली कुशन, ये भी काफी आजकल ट्रेंडिंग के अंदर है। ये इधर फेस इमोजी बना हुआ है और पीछे की तरफ आप फोटो प्रिंट कर सकते हो किसी का भी, सेम इसी तरीके से ये है। इसमें भी मेरे पास में 7-8 डिजाइन है, अभी सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं दो पीस मेरे पास में रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इधर आप फोटो प्रिंट कर सकते हो, इधर इमोजी बना हुआ है। दोस्तों स्माइली कुशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में एक ही कुशन मेरे पास में इधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हैंगिंग हार्ट, एक ही हार्ट ऊपर लगा हुआ है, उससे छोटा दिल नीचे लगा हुआ है, उससे छोटा दिल नीचे लगा हुआ है। तो तीन कुशन ये एक साथ जॉइंट है, आप प्रिंटिंग एक एक करके करोगे इनके ऊपर
पहले सबसे ऊपर वाले पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर बटन से हम लोगों ने इसे हैंग किया हुआ है, ये इस तरीके से निकल भी जाएगा। उसके बाद में अंदर फिलर लगा हुआ है, फिलर को आप निकाल करके इस तरीके से निकालोगे आप इसे अंदर से, और फिर से बाद में प्रिंट करोगे। ये मैंने निकाल दिया। देखो दोस्तों थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ आपको प्रिंटिंग कैसे करना है। मानो मैंने ये बाहर निकाल ही लिया है कवर, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ प्रिंटिंग कैसे करना है। मानो आपको एक कवर है, आपने अपना सब्लिमेशन पेपर के ऊपर सब्लिमेशन इंक का प्रिंट आउट आपने निकाला हुआ है, सिंपली हीट प्रेस मशीन के ऊपर आप इस तरीके से रखोगे। आपके पास में सब्लिमेशन पेपर होगा वो आप इसके ऊपर रखोगे, ऊपर से टेफ्लॉन शीट आप रखोगे, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कभी भी आप फैब्रिक का आइटम प्रिंट कर रहे हो हमेशा उसे यूज करो, वो आप ऊपर से रखोगे। कंपेटेबल टेम्परेचर टाइमिंग के साथ आप कुशन को आप प्रेस कर दोगे। टेम्परेचर यहां मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मशीन मेरे पास में भी चालू नहीं करी है मैंने, ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू कराने के लिए मैं आपको वीडियो बनाया कि अब मेरे पास में क्या क्या रेंज का क्वेश्चन होता है। तो गाइस टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 355 मिनिमम, 355 मैक्सिमम और 60 सेकेंड्स के लिए हम क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो गाइज ये कभी भी आप हैंगिंग कुशन मुझसे लोगे ना, ये हमेशा जिप पैकिंग के अंदर आएगा। और बाकी कुशन की देखो जिप पैकिंग अगर आप बोलोगे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वो आपको पैकिंग मिल जाएगा जिप पैकिंग के अंदर। अदरवाइज इनके कुशन का जो पैकिंग आता है 5 पीसेस का पैकिंग आता है, 10 पीसेस का पैकिंग आता है, पॉली पैक आएगा। उसके बाद में अगर फिलर की बात करें, मैंने आपको फिलर का बता दिया है, आपको हमेशा जो भी इसका फिलर रहेगा, गद्दी जो रहेगा, वो हमेशा वैक्यूम मिलेगा। वैक्यूम मतलब ऐसा बिल्कुल कंप्रेस मिलेगा, पिचका पूरा मिलेगा, भले वो राउंड शेप का हो या फिर स्क्वायर शेप का हो या फिर हमारा हार्ट शेप का हो। गाइस इसके बाद में मैंने आपको बता दिया है वैक्यूम का एक प्लस पॉइंट है, आप कहीं भी बैठे हो आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन मंगा रहे हो या 150 क्वेश्चन मंगा रहे हो, बस आपने ऑर्डर करना है और हम लोग इसे फिल करके बोरे के अंदर आपको शिप कर देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आप वॉल्यूमेट्रिक बनेगा, भाड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली इजिली आपका पैक हो जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। इसके बाद में मेरे पास में आपके लिए आइटम है एलईडी कुशन। एलईडी कुशन का बहुत ही कारण था मेरे पास में कि किस तरीके से एलईडी कुशन को हमें प्रिंट करना है, किस तरीके से उसे असेंबल करना है। तो दोस्तों मेरे पास में मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई भी एलईडी कुशन आपको रेडी करना है तो उसमें क्या क्या सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए अगर आप कंसेप्ट सब्लिमेशन से बाय करो। देखो हम लोगों ने कवर इंट्रोड्यूस करा हुआ है, सिर्फ ये ओनली एलईडी का कवर है, इसके ऊपर प्रिंटिंग आपको नहीं करना है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, इसके ऊपर प्रिंटिंग आपको नहीं करना है, ये सिर्फ एलईडी का हम लोगों ने कवर बनाया हुआ है। इस तरीके से मैं बताऊंगा इसका भी रीजन कि हमने एलईडी का कवर अलग से क्यों बनाया है, क्या रीजन इसके पीछे है। देखो मैं थोड़ा सा पहले आपको असेंबल इसका बता देता हूँ किस तरीके से आपको असेंबल करना है। कभी भी आप हमसे बाय करोगे एलईडी कुशन तो हम लोग एलईडी कवर हम लोग बेचते हैं। ये एलईडी कवर है, एलईडी कवर आपका बैटरी के साथ में आएगा, ये 9 वोल्ट की बैटरी नॉर्मल जो होती है वो बैटरी इसके साथ में आएगा। और दूसरा आपको एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन आपको एलईडी बनाना है आप उसे इजीली बना सकते हो। किस तरीके से बनाओगे देखो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एलईडी कवर आप लोगे, आपने बैटरी को इसके अंदर फिक्स करा, ये बैटरी को हमने इस तरीके से फिक्स कर दिया, ठीक है, हमने इसे इस पॉकेट में डाल दिया। ये इसका टच बटन है, ये हम प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन ऑफ रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये हमारा एलईडी कवर हो गया। उसके बाद में अगर हम गद्दी की बात करें, अभी स्क्वायर शेप का फिलर मेरे पास में, तो मैं एक स्क्वायर शेप वाला कवर ले लूंगा। ये स्क्वायर शेप मेरे पास में ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बैटरी लगाया हुआ है, टिच बटन यहाँ इसका लगा हुआ है, ये मैंने जैसे ही प्रेस करा ये लाइट इसका जल गया। तो गाइज ये एलईडी कवर मेरा है, ये वैक्यूम मेरे पास, वैक्यूम गद्दी में, सॉरी गद्दी मेरे पास में है ये। तो देखो जो फिलर है वो मैं एलईडी कवर के अंदर फिक्स कर रहा हूँ। अभी मैंने प्रिंटिंग इसके अंदर कुछ नहीं करा है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। अभी देखिए आपने ये इस तरीके से फिक्स कर दिया, अभी आपका एलईडी फिलर बन गया और ये आपने बैटरी को इस तरीके से फिक्स कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई एलईडी कवर चलाने का फायदा क्या हुआ, हम एलईडी को गद्दी के अंदर भी फिक्स कर सकते थे। तो गाइज एलईडी कवर बनाने का देखो, अब मैं आपको बताऊंगा एलईडी कवर हम लोगों ने किस लिए बनाया। अभी देखो अभी ये इस पोजीशन के अंदर है, अभी आप बोलोगे इस तरीके से अगर हम इसके अंदर देखो चेन कहीं नहीं लगी हुई, सीधा गद्दी के अंदर हम लोगों ने एलईडी को स्टिच करा हुआ है। लेकिन अब जो इस पोजीशन में ये है अभी हम इसे वैक्यूम नहीं कर सकते। वैक्यूम कहने का मतलब हम इस तरीके से गद्दी को इसको नहीं बना सकते। रीजन अगर इसे हम प्रेस करेंगे तो एलईडी आपका डैमेज हो जाएगा, सेंसर आपका जो टच बटन है वो डैमेज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसे वैक्यूम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कभी भी आप इसे कहीं आप बाहर से मंगा रहे हैं तो मैं अगर बोरे के अंदर फिक्स करके भेजूंगा तो अगर आप 100 पीस मंगा रहे हो तो 6-7 बोरे उसके इजिली बन जाएंगे और इतने बड़े बन जाएंगे, वेट उसके अंदर होगा नहीं, वॉल्यूमेट्रिक वो बोरे बनेंगे।
तो रीजन ये है कवर बनाने का, अब कवर अलग हो जाएगा आपका, इस तरह का सेपरेट कवर हो जाएगा और वैक्यूम आपकी गद्दी हो जाएगी। तो ये दोनों ने स्पेस इतना लिया, और अगर मैं गद्दी के अंदर आपका लगा दूंगा एलईडी कुशन, एलईडी लगा दूंगा अगर इसके अंदर, तो ये स्पेस इतना लेगा। अब आप देख रहे होंगे क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है, एक ये वैक्यूम वाला पार्ट है ये इतना स्पेस लेगा, और ये विदाउट वैक्यूम है ये इतना स्पेस लेगा। तो गाइस एलईडी कवर बनाने का सिर्फ फायदा मेरा यही है, सिर्फ रीजन यही है एलईडी कवर बनाने का, कि आपके पास में कुशन इजीली पहुंच जाए बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस ये हमारा एलईडी का फिलर हमारा रेडी हो गया, बटन सब बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब सेम इसी पोजिशन में अगर हमारे पास में मानो फर कुशन ये वाला है, या फिर ये चेक कुशन है, इसके अंदर हम सीधा एज इट इज इसी गद्दी को फिक्स कर देंगे। इसके अंदर गद्दी इसके अंदर आपका फिक्स हो जाएगा, और फिक्स होने के बाद में आपने फोटो सेंटर में प्रिंट किया होगा, और जो लाइट जलेगी वो चारों तरफ इसके ब्लिंक करेगी, वो बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि आपका 8x8 इंच का पैच इसके सेंटर में आ जाए, और आपका चारों तरफ से इस तरीके से लाइट जले। आपका भी बटन को ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ करके आपका लाइट इसके अंदर जलेगा। तो गाइज ये था एलईडी का कंसेप्ट। आप देखो प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंटिंग इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर प्रिंटिंग आपका नहीं होगा, ये जो कवर है इसके ऊपर प्रिंटिंग कहीं नहीं होगा, ये सिर्फ आपका गद्दी है और प्लस एलईडी है। आपको प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग करना है आपको इसके अंदर, या फिर इसके अंदर, या फिर आपका इसको इसके ऊपर आपको प्रिंटिंग करना है। आपको कभी भी गद्दी के ऊपर या एलईडी के ऊपर प्रिंटिंग नहीं करना है, ये जो पार्ट है इसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं करना है, आपको हमेशा कभी भी प्रिंटिंग करना है जो व्हाइट पैच इसके ऊपर दिया हुआ है। इवन फर कुशन है या टेडी पिल्लो है या मैजिक कुशन है या आपका डिजाइनर कुशन के अंदर से कोई भी पीस है, आपको हमेशा जो व्हाइट पैच मिला हुआ है उसके ऊपर आप उसे प्रिंटिंग करोगे। तो गाइज मैं आपको अभी एक पीस आपको रेडी करके ही दिखाता हूँ, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो मैंने एक येलो कलर का एलईडी मेरे पास में है, और साथ ही में एक व्हाइट कलर का कुशन कवर मेरे पास में है। ये मैंने देखो इसके अंदर फिक्स कर दिया, चेन से मैंने लगा के बंद कर दिया, ये मेरा फिक्स हो गया। बैटरी मैंने लिया, बैटरी को इस तरीके से मैंने बैटरी को फिक्स करा, ठीक है। उसके बाद में ये मेरे पास में कुशन है, कुशन कवर है, ये मैंने ओपन करा साइड में से। अगेन वही देखो पैच के ऊपर प्रेस है, ये मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश पीस निकाला है, ये ऊपर हैंगिंग के लगा हुआ है, अंदर पूरा एक साकर कपड़ा के अंदर लगा हुआ है, ऊपर से इसके अंदर हमने फॉर्म इसके अंदर लगा हुआ है, तो सारे प्रीमियम क्वालिटी वाले हम लोगों ने काम किए हुए कुशन के अंदर, तो बिल्कुल भी परेशान होने का जरूरत नहीं। प्रिंटिंग कैसा आएगा, कुशन अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली बात है अगर आप कुशन अच्छा बाय कर लो वो प्रिंटिंग होने के बाद शानदार ही दिखेगा। और दूसरा गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, और बेल आइकन नीचे दिया हुआ उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो गाइज मैं इसका बटन बस देख रहा हूँ बटन, तो गाइज ये मैंने फिक्स कर दिया, देखो इसके अंदर मैंने एलईडी वाला वो कवर जो मैंने अभी बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये यहाँ पर इसका टच बटन है, ये मैंने प्रेस करा तो आपका एलईडी चालू हो गया, और अभी मैं बंद करा मैंने इसे तो ये वापस से बंद हो गया। ये मैंने प्रेस करा फिर से ये चालू हो गया, और मैं अगर इसे बटन को बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, और वापस से मैंने ये चालू करा और ये आपका बिल्कुल ऑन हो गया। तो गाइज टच बटन इसके अंदर दिया हुआ है। अब ये कुशन आपका मानो आपका इस तरीके से रखा हुआ है, आपको कोई घर में गेस्ट आ गए आपको शो करना है उन्हें, तो गाइज बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने बटन लिया बटन प्रेस कर दिया और आपका ये आपका ऑन हो गया या फिर ऑफ हो गया, इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो बहुत ही एक अच्छा रेंज इसके अंदर है एलईडी कुशन के अंदर। तो गाइज मैं इस वीडियो को फिर यहीं पर क्लोज करूंगा अभी, तो आपको जल्दी एक नई वीडियो दूंगा, और आइटम्स के साथ में आपको कुछ भी इसके अंदर कंफ्यूजन रहेगा बायो के अंदर मेरा नंबर मिलेगा, लिंक में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको कुछ भी दिक्कत आपको आ रहा है प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज करो। कॉल अटेंड करने का बहुत ही कम टाइम हमें मिल पाता है, आप इजिली व्हाट्सएप पर मैसेज डालो आपको तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं लेकर के आऊंगा। ओके दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया।